तो हम लोगों ने गतिज ऊर्जा की बात की थी, और गतिज ऊर्जा हम सामान्यतः हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं जब m मास है और v वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन हमने देखा कि अगर ये वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाए और प्रकाश के निर्वात में वेग के साथ कंपरेबल हो जाए तो फिर ये हाफ एम वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन काम नहीं करता, और हमारा जो उसके लिए बनता है एक्सप्रेशन व्यंजक वो है काइनेटिक एनर्जी बराबर मास, मास को हम एम नॉट लिख रहे हैं, सी स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ऐसा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए हमने ड्राइव किया था, और इसकी हमने व्याख्या की थी कि ये जो इधर का पार्ट है ये इतना, ये जो पार्ट है ये, इसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं, कुल ऊर्जा। जबकि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं विराम गति, विराम द्रव्यमान ऊर्जा या रेस्ट मास एनर्जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि जब आप रिलेटिविटी करते हैं तो निकल करके आता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है रेस्ट में जिस समय है वो उसके द्रव्यमान को सी स्क्वायर से गुणा करने पर मिलती है, ये रेस्ट मास एनर्जी। और जो इनका अंतर है वो है गतिज ऊर्जा, वो है गतिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और रेस्ट मास एनर्जी ये दोनों मिलकर के कुल ऊर्जा, ये एक समीकरण हम लोगों ने निकाला था। और ये देखा था कि ये जो गतिज ऊर्जा का इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, अगर वी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो प्रकाश के वेग से काफ़ी कम हो, वी मच मच लेस देन सी ऐसा, तब हमने देखा था कि यही एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर भी बन जाता है। तो लो वेलोसिटीज़ के लिए जो हमारे सूत्र हैं वो सब लागू रहेंगे, रिलेटिविटी के आने से हमारी ज़िंदगी पर कोई उस तरीके का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर बना रहेगा। लेकिन हाँ, जब हम अधिक वेलोसिटीज़ पर जाने की कोशिश करेंगे तब हमें हाफ एम वी स्क्वायर से आगे बढ़ना पड़ेगा और ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा लेकर चलना पड़ेगा। तो हम इस रेस्ट मास एनर्जी की बात आज करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास में कोई वस्तु है, ये चौक है और ये मूव नहीं कर रही है तो भी इसके अंदर में बहुत सारी ऊर्जा है, इसके जितने पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिकल्स हैं, उनका वाइब्रेशंस है, उनका मोशन है, उनके आपस के इंटरैक्शंस हैं, सब मिलकर के, और इसमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर 1 किलोग्राम का हमारा कोई द्रव्यमान है, जैसे बटखरा 1 किलोग्राम का है, या 1 किलोग्राम का हम पैकेट के अंदर में कुछ सामान लेकर के आते हैं, आटा दाल चावल लेकर के आते हैं 1 किलोग्राम, तो उसमें जो कुल ऊर्जा है वो 1 किलोग्राम गुना सी का स्क्वायर अर्थात 9 × 10^16 जूल, इतनी उसके अंदर में टोटल ऊर्जा है। उसके अंदर हर चीज़ शामिल है, उसके मॉलिकल्स का वाइब्रेशन शामिल है, हर एक चीज़ उसके अंदर में शामिल है। तो ऐसा हम लोग एक रेस्ट मास एनर्जी की कल्पना करते हैं, और केवल कल्पना नहीं करते हैं, ये वास्तविकता में भी दिखता है। हम जानते हैं कि हम लोग धरती के ऊपर जो जीवन है उसका मुख्य आधार अपना सूर्य है, सूर्य से जो धूप आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, रोशनी आती है, उसी के कारण से धरती के ऊपर जीवन है। लेकिन सूर्य से ये ऊर्जा कैसे आती है, उत्पन्न कैसे होती है सूर्य के अंदर में ऊर्जा, तो वो भी आपको पता है, वो संलयन होता है, फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और जो बहुत सारा हाइड्रोजन है वहाँ पे, और किस फॉर्म में हाइड्रोजन, प्रोटॉन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम हाइड्रोजन का परमाणु कहते हैं।
तो जो सूरज के अंदर है वो इस फॉर्म में नहीं है, हाइड्रोजन का परमाणु जिसे कहते हैं उसके अंदर में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे के साथ में बंधे रहते हैं। प्रोटॉन है और उसके पास जो आयतन है, उसके पास जो जगह है, उसके अंदर में वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है, तो वो एटम बनता है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ में जुड़ा हुआ है, उससे बहुत दूर नहीं भाग करके जा रहा, तो उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन सूरज के अंदर में जो हाइड्रोजन है वो इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहाँ का ताप बहुत ज़्यादा है, अंदर में कोर में बहुत ज़्यादा ताप है, 10^7 केल्विन वगैरह टाइप का उसका ताप है, टेम्परेचर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बंधे हुए हैं वो टूट चुके होते हैं, वो दूर जा चुके होते हैं, उनको फिर किसी खास प्रोटॉन के साथ में और उसी से बंध के रहने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटॉन्स 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 सारे में बिखरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बिखरे हुए हैं, लेकिन ऐसा बंधन नहीं है। और आप जानते हैं ये जो प्रोटॉन्स हैं जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं, वही प्रोटॉन्स मिलकर के कई स्टेप्स में अंत में हीलियम बनाते हैं। तो चार प्रोटॉन जिसको हम 1H1 भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, ये हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन है और टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के जो संख्या होती है वो यहाँ लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं उसको, ये नाभिक लिख रहे हैं हम। तो ऐसे ऐसे चार नाभिक यानी चार प्रोटॉन, ये पूरा एक प्रोटॉन है, तो ये चार प्रोटॉन, इनसे अंत में बनता है हीलियम का नाभिक, अर्थात टोटल उसमें चार होते हैं, दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, हीलियम है उसमें दो प्रोटॉन्स हैं, उस दो को यहाँ लिखते हैं, साथ में दो न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मिला के जो संख्या है जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। तो ऐसा हीलियम का नाभिक बनता है, चार हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, साथ में दो पॉजिट्रॉन्स निकलते हैं, दो पॉजिट्रॉन्स बनते हैं, ऐसा ई के ऊपर प्लस लिखते हैं तो उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, ये पॉजिट्रॉन है ये, और उसके बाद फिर ऊर्जा, बाकी की सारी जो है वो ऊर्जा कुछ 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह की ऊर्जा ये साथ में आती है, कुछ गामा रेज है वो भी ऊर्जा का ही रूप है। तो ये चार हाइड्रोजन के नाभिक यानी चार प्रोटॉन्स, ये मिला करके एक हीलियम, और यहाँ पे ये दो पॉजिट्रॉन्स, और पॉजिट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हैं, उनका जो द्रव्यमान है पॉजिट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर है, और उस पर भी विद्युत आवेश है पॉजिट्रॉन पर, जैसा इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश होता है पॉजिट्रॉन पर भी विद्युत आवेश होता है, और मान भी बिल्कुल बराबर होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ठीक उतना ही परिमाण का आवेश पॉजिट्रॉन पर भी है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है, ये फर्क होता है, और भी कई तरह के फर्क होते हैं, लेकिन द्रव्यमान बराबर, आवेशों के परिमाण बराबर, मगर चिन्ह उल्टा, इतना आप जान ले। तो ये पॉजिट्रॉन कहलाते हैं, और जब ये क्रिया होती है, यहाँ चार प्रोटॉन थे और यहाँ दो ही प्रोटॉन हैं, बाकी दो न्यूट्रॉन आ गए, तो ये प्रोटॉन से जब न्यूट्रॉन बनते हैं उस समय में ये पॉजिट्रॉन की रचना होती है, और उस समय में ये बन करके और बाहर निकलते हैं। ये जो ऊर्जा है मुख्य रूप से ये जो बन रहा है उनकी गतिज ऊर्जा है, और जो गामा रेज वगैरह निकल रहे हैं उनकी ऊर्जा है, कुछ न्यूट्रिनो निकलते हैं साथ में कुछ न्यूट्रिनो, ये दूसरे पार्टिकल्स हैं, कुछ न्यूट्रिनोज निकलेंगे,
दो न्यूट्रिनोज निकलेंगे, अगर दो ये बने हैं पॉजिट्रॉन तो ये न्यूट्रिनो भी बड़े रोचक पार्टिकल्स हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोग खोजबीन कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाल हाल तक तो समझा जाता था कि इनमें रेस्ट मास होता ही नहीं है, लेकिन जो अभी हाल के शोध हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, तो पता चला है कि बहुत थोड़ा सा रेस्ट मास होता है इसके अंदर में। मुख्य बात यह है कि अगर हम द्रव्यमान को देखें तो इसमें द्रव्यमान है, ये जो प्रोटॉन्स हैं उसमें द्रव्यमान है, यहाँ जो उसका हीलियम बन गया है उसका द्रव्यमान है, यहाँ जो ये पॉजिट्रॉन्स बन गए हैं उनमें द्रव्यमान है, और इसमें बहुत मामूली सा द्रव्यमान है। लेकिन इधर का अगर कुल द्रव्यमान हम देखते हैं, जिसको हम लोग रेस्ट मास कहते हैं, जो कि लिखा रहता है चार प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का इतना मास, तो चार प्रोटॉन का मिला करके कितना, वो यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह हीलियम का नाभिक है, हीलियम के नाभिक का कितना द्रव्यमान किताबों में लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, बड़े सेंसिटिव तरीकों से नाप जोख करके लिखा है, ऐसे नहीं लिख दिया है, प्रयोगों के द्वारा नाप करके लिखा है और बहुत एक्यूरेसी के साथ नापा गया है। तो इसका भी द्रव्यमान पता है, इधर इनका भी द्रव्यमान पता है। न्यूट्रिनो में तो बहुत ही मामूली द्रव्यमान है, हालांकि कितना है अभी पता नहीं है, उसके शोध चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही मामूली है, तो उसको आप एक बार को भूल भी जा सकते हो। ये द्रव्यमान से ये द्रव्यमान कम है। अगर हम टेबल्स उठा करके, सारणी उठा करके, और प्रोटॉन का द्रव्यमान, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, इन सब को लेकर के गणना करें, तो हम पाएंगे कि ये चार प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है और इधर की तरफ जो द्रव्यमान है वो कम है, और जितना वो द्रव्यमान कम हुआ है उतनी ही ये ऊर्जा बनी है, उतनी ही ये ऊर्जा बनी है। अगर इधर का टोटल द्रव्यमान m है, रेस्ट मास की बात कर रहे हैं, और इधर का जो द्रव्यमान है वो ये m1 कह लो इसको, इसको m2 कह लो, इस पूरे का जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है, और इसका मामूली सा द्रव्यमान है, तो ये m2 कम है m1 से, और जितना ये फर्क है m1 माइनस m2, जितना द्रव्यमान कम हुआ है उसी को अगर आप c स्क्वायर से गुणा कर दें तो वही उतनी ही ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित होती है, उतनी ही ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित होती है। ये ऊर्जा गामा फोटॉन्स के रूप में हो सकती है, और ये ऊर्जा इन पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा के टर्म्स में हो सकती है। कुल ऊर्जा तो दोनों तरफ बराबर है, इस कुल ऊर्जा की अगर बात करेंगे, ये टोटल एनर्जी की अगर बात करेंगे, तो ये दोनों तरफ बराबर है, लेकिन अगर हम विराम द्रव्यमान की बात करेंगे, रेस्ट मास की बात करेंगे, तो वो बराबर नहीं है, वो ये सूत्र से मिलता है। अगर आप केवल इसकी और इसकी तुलना करें, चार प्रोटॉन, बल्कि आप इससे भी आगे बढ़ें, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और दूसरे तरफ आप सोचें एक हीलियम का न्यूक्लियस, वन हीलियम न्यूक्लियस नाभिक। आपको पता है जो हीलियम का नाभिक है उसमें भी दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये चारों एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं, बहुत कम आयतन के अंदर में चारों एक साथ में हैं, तो ऐसा जो PPNN एक साथ बिल्कुल बहुत छोटे से वॉल्यूम में, वो हीलियम का नाभिक है। और अगर हमने अलग अलग लिए हैं, एक प्रोटॉन यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन थोड़ी दूर है, तीसरा न्यूट्रॉन है वो कहीं और है, चौथा कहीं और है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है, तो इसका कुल द्रव्यमान देखें और इसका कुल द्रव्यमान देखें,
ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान बराबर नहीं है, ये द्रव्यमान कम है और ये द्रव्यमान ज़्यादा है। अगर आपको आपके पास हीलियम न्यूक्लियस है और उस हीलियम न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप अलग अलग करना चाहते हो, इस स्थिति में है, इस स्थिति में लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसको अलग करने के लिए, उसके बंधनों को तोड़ने के लिए आपको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसमें आप ऊर्जा मिलाओगे, इसमें आप और ऊर्जा दोगे, तब यह बनेगा। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? तो हीलियम नाभिक के लिए पता है ये जो ऊर्जा है ये 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता होगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। जूल अपनी ऊर्जा की SI इकाई है, तो इतने को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और कैपिटल M का मतलब है मेगा और इसका मतलब है 10⁶। तो इसको 10⁶ से गुणा करेंगे तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा देनी पड़ती है तब ये टूट करके ये बनता है। और जो द्रव्यमान नापा गया है इसका, और जो द्रव्यमान नापा गया है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, अगर आप उसका फर्क देखें, यहाँ जो द्रव्यमान है वो कम है, यहाँ जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, उसका फर्क देखें तो ठीक यही समीकरण से ये 28 MeV निकल करके आएगा। तो यानी जो द्रव्यमान है वो उसका वो ऊर्जा का ही रूप है वो, और उतने द्रव्यमान से उतनी ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने यहाँ जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनमें इसका विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, उसमें एक बड़ा नाभिक जैसे यूरेनियम 235 से शुरू करते हैं लोग, और उसके बाद उसमें एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होकर के यूरेनियम 236 बनता है, और फिर वो जो यूरेनियम है 236, आपको अभी हमने बताया ये 235 यहाँ लिखा है या 236 लिखा है, क्या मतलब है इसका? यूरेनियम के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या यहाँ लिखी है, और जो प्रोटॉन्स की संख्या वो यहाँ लिखते हैं यूरेनियम के लिए 92। एक न्यूट्रॉन और बढ़ गया है तो प्रोटॉन्स तो वही रह गए लेकिन ये बढ़ करके 236। और इसका विखंडन हो करके दो न्यूक्लियस बनते हैं, उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स जिसको कहते हैं वो निकलते हैं, कुछ न्यूट्रिनो वगैरह निकलते हैं, कुछ एक एक नहीं है कुछ, और उसके बाद ऊर्जा निकलती है। किस फॉर्म में ऊर्जा निकलती है, मतलब क्या निकलता है? ये जो बनते हैं, ये जो एक नाभिक के खंड होकर के और ये जो दूसरे नाभिक बने हैं, ये नाभिक एक गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, वो ऊर्जा है ये। अन्य गामा रेज वगैरह की भी ऊर्जा है लेकिन मुख्य रूप से ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है वो यहाँ पर आती है। तो विखंडन में भी ऐसे ही होता है। अगर आप इसका द्रव्यमान देखें, इस न्यूक्लियस का द्रव्यमान देखें, और इस तरफ जितने मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनका द्रव्यमान देखें, इस नाभिक का, इस इलेक्ट्रॉन का, सबका द्रव्यमान देखें, तो ये द्रव्यमान कम है, ये द्रव्यमान ज़्यादा है, और जितना द्रव्यमान घटा है उसी का MC² उतनी ऊर्जा मिली है। तो यानी द्रव्यमान और ऊर्जा ये एक ही चीज़ के दो रूप हैं। जो द्रव्यमान आप घटा सकते हो आपको ऊर्जा मिल जाएगी, ऊर्जा आप घटा सकते हो आपको द्रव्यमान मिल जाएगा। इसको कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। द्रव्यमान और ऊर्जा, इसका ये समतुल्य है,
इक्विवेलेंट है, द्रव्यमान और इधर ऊर्जा, ये एक दूसरे के तुल्य है, एक दूसरे के से इक्विवेलेंट है। ये एक बड़ी चीज़ निकल करके आती है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से कि जो जिसको हम मास कहते हैं, जिसको हम द्रव्यमान करते कहते हैं, सामान्यतः एक धारणा बनती है शुरू की पढ़ाई के समय में कि द्रव्यमान जो है उसमें मटेरियल कितना है उसकी वो नाप है, लेकिन दरअसल वो ऊर्जा कितनी है उसकी वो नाप है। टोटल ऊर्जा कितनी है उसकी वो नाप है, वो ऊर्जा आपके पास संचित है, वो ऊर्जा आपके पास वहाँ पर एक छोटे से आयतन के अंदर में घुसी हुई है, आप चाहो तो उसका उपयोग कर सकते हो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अंतर्गत। ये एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस का अपना एक हिसाब किताब है। तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन और ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन, ये जो हमने चर्चाएं की उसमें हमें कुछ अलग सा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा मटेरियल में। जैसे हम कहते हैं कि ये हीलियम है, नाभिक है, इसके अंदर में दो प्रोटॉन्स हैं और दो इसके अंदर में न्यूट्रॉन्स हैं और हमने इसमें ऊर्जा दे करके और इसको ऐसा बना दिया, तो हमें अभी भी यहाँ भी दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स दिख रहे हैं, अभी भी यहाँ प्रोटॉन्स दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम चूँकि नापी हुई चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसका द्रव्यमान लोगों ने नाप रखा है बहुत शुद्धतापूर्वक, इनके द्रव्यमान नाप रखे हैं बहुत शुद्धतापूर्वक और उन नापों के आधार पर हम देख रहे हैं कि इसका द्रव्यमान अधिक है इन चारों का मिल करके, इसका द्रव्यमान कम है और जो अंतर है वो इतना है, तो ये सब बातें ठीक है, लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे द्रव्यमान का रूपांतरण ऊर्जा में हो रहा है या ऊर्जा का रूपांतरण द्रव्यमान हो रहा है। तो हम उदाहरण देंगे आपको, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन, इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनीहिलेशन, एनीहिलेशन का अर्थ है समाप्त कर देना, समाप्त हो जाना, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में भी हमने आपको बताया ही कि इलेक्ट्रॉन ही जैसा वो पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ये अगर एक साथ एक जगह आ जाएं, तो ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, यानी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये अगर इकट्ठा एक जगह आ जाते हैं तो एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, और समाप्त करने के बाद इस साइड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऊर्जा बचती है, किस फॉर्म में, अब तो कोई मटेरियल नहीं है कि वो चले और उसकी गतिज ऊर्जा हो और ऐसा वैसा हो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा होती हैं, गामा रेज पैदा होती हैं, दो गामा रेज पैदा होती हैं, और जो दो गामा रेज पैदा होती है जिनको हम गामा फोटॉन्स कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे, तो वो दो गामा फोटॉन्स बनते हैं, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, खत्म हो गया द्रव्यमान, समाप्त हो गया द्रव्यमान पूरी तरह से, यहाँ द्रव्यमान था यहाँ द्रव्यमान था और ये पूरा द्रव्यमान समाप्त हो गया, इलेक्ट्रॉन की पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई, पॉजिट्रॉन की पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई, अब वो दुनिया में नहीं है, दुनिया से उठ गया, वो दोनों दुनिया से उठ गए और उनकी जगह पे क्या आ गया, जैसे हमारी रोशनी आ रही है, ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग बन गई, वेव्स बन गई,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गए, गामा रेज बन गए, गामा फोटोन्स बन गए। तो ये सीधा कन्वर्शन है, ये द्रव्यमान का ऊर्जा में सीधा कन्वर्शन है, ये द्रव्यमान से सीधा सीधा ऊर्जा बन गई है। तो द्रव्यमान को कन्वर्ट कर सकते हैं ऊर्जा में, जो इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल है, इतने किलोग्राम, वो उतने किलोग्राम के जगह उतने जूल, ये ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमेशा, ये हमारी प्रयोगशालाओं के अंदर में हमेशा होता रहा है। इसका उल्टा भी संभव है, इसका उल्टा भी संभव है। हम अगर जो न्यूक्लियर फिजिक्स की लैब होती हैं उनमें अक्सर गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए यंत्र होते हैं, और उन यंत्र के अंदर में कुछ मटेरियल्स होते हैं, और अगर आपका गामा रेज वहाँ से आ रहा है और उस गामा रेज की ऊर्जा ठीक ठाक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिट्रॉन है, इनके जो द्रव्यमान है उसके अनुसार अगर इनका हम लिखें तो m नॉट c स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के लिए या पॉजिट्रॉन के लिए, दोनों का बराबर होता है, e लिख देते हैं, m e इलेक्ट्रॉन के लिए और वही पॉजिट्रॉन के लिए, ये कुछ 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बन करके आता है। और ये दो फोटॉन्स निकलते हैं, इनकी भी ऊर्जा नापी जा सकती है, और ये भी ऊर्जा ऐसी ही निकल करके आती है। तो जितना उसका द्रव्यमान है उसी के अनुसार बनता है। और अगर दो फोटॉन्स मिला करके, ये दो फोटॉन्स मिला करके ये कितनी ऊर्जा हो जाएगी, 1022 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा के दोनों फोटॉन्स मिलकर के इतनी ऊर्जा वहां पर बनती है जब ये समाप्त होते हैं। ऐसी इससे अधिक या इतनी, कम से कम इतनी ऊर्जा का यदि हमें ये गामा रे यहां से आ रही हो, गामा फोटोन की ऊर्जा 1022 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक हो, तो ऐसा होता है प्रयोगशालाओं में, ये रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसा होता है कि यहाँ अंदर में ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कन्वर्ट हो जाए, ये बदल जाए किस में, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। तो इसका उल्टा भी संभव है कि ये जो गामा रे है और गामा फोटोन है, वो यहाँ मटेरियल के संसर्ग में आने के बाद, मटेरियल के साथ कुछ इंटरैक्शंस करने के बाद, ये जन्म दे एक इलेक्ट्रॉन को और एक पॉजिट्रॉन को, ये जन्म दे, एक नया इलेक्ट्रॉन धरती पर अवतरित हो और एक नया पॉजिट्रॉन धरती पर अवतरित हो, ये भी संभव है। तो ऊर्जा का मटेरियल में यानी मास में रूपांतरण और मटेरियल का ऊर्जा में रूपांतरण, ऐसा सीधा सीधा भी संभव है, जहाँ पार्टिकल्स ही नए क्रिएट हो जाते हैं या पार्टिकल्स विलुप्त हो जाते हैं।